किसान साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपने बैठे हैं विनोद भाई के पास, जो कि सीकर के अंदर अपनी खाद बीज की नंबर वन टॉप दुकान सीकर के अंदर रखते हैं। इनसे हम जानेंगे खाद बीज की दुकान, अगर कोई दूसरा साथी अपनी वीडियो देख करके या फिर बहुत सारे इससे पहले वीडियो डाले थे उसमें एक कमेंट थे लोगों की कि खाद बीज की दुकान करने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है और कितने के बजट में आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो विनोद भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को करवा दीजिए। जी मेरा नाम विनोद बिश्नोईया और सीकर के अंदर रानी सती मंदिर से सांवली की तरफ जो रोड जाती है उस पर अपनी विकास एग्रो एजेंसी बीज भंडार के नाम से दुकान है जी। और अपने सीकर के अंदर सबसे लो प्राइस के अंदर अपनी दुकान से मटेरियल मिलता है जी। और बहुत सारे साथी यहाँ किसानों के बच्चे दुकान करते हैं, एडवाइस लेके जाते हैं, उनको बताते हैं। तो मेरे पास में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लाइसेंस के लिए भी पूछने बहुत लोग आते हैं कि इसका लाइसेंस कैसे बनेगा, क्या प्रक्रिया है। हाँ सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, अगर कोई भी एक मतलब स्टूडेंट मान लीजिए या बेरोजगार अगर खाद बीज की दुकान खोलना चाहता है उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन तो सर है, सबसे पहले तो उसके पास में अगर एग्रीकल्चर से बीएससी हो तो सबसे बेटर है जी। अगर बीएससी नहीं है तो फिर है केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से बीएससी हो जी। अगर वो भी नहीं है तो एक दसवीं पास के बाद एक डिप्लोमा होता है जी, एक वन ईयर का, वो होना चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया दसवीं के बाद एक साल का डिप्लोमा होता है, वो कहाँ से कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा थोड़ा वो बताइए। ये अपने जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर की वो भी करवा रही है और साथ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एक दो करवा रही है, जैसे प्राइवेट संस्थान है वो भी करवाती है। हाँ, एक जयपुर की यूनिवर्सिटी है वो करवाती है और एक यूनिवर्सिटी है अपने पंजाब की जयपुर की यूनिवर्सिटी का, तो ये मेरे पास में पड़ा है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है ये आप देख सकते हो, कैमरा कान करके दिखाइए। ये देखो आप, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का ये वो डिप्लोमा है। अच्छा जी, ये एक साल का रहेगा? हाँ, वो सर्टिफिकेट था डिप्लोमा का, ये मार्कशीट। ठीक है जी। अच्छा, ये डिप्लोमा अगर कोई साथी बेरोजगार साथी करना चाहे तो क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, कहाँ संपर्क करे वो? इसके लिए सर ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है इसी पे आप संपर्क करो जयपुर, इससे डिप्लोमा कर सकता है। जैसा कि आपने बताया एक साल का डिप्लोमा होता है और जो यूनिवर्सिटियाँ करवाती है, तो कितना कुछ खर्चा आ जाता है उसमें? खर्चा सर ये 25-30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है एक साल का। एक साल का, ठीक है। अच्छा, अब जो सवाल एक और जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था मेरी पिछली वीडियो के अंदर कि अगर कोई इस तरीके से खाद बीज की दुकान अपनी करना चाहे तो कितना बजट उसको चाहिए, कितने रुपये में स्टार्टिंग में वो कर सकता है काम शुरू? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये रहता है कि वो कौन सी मार्केट में कर रहा है, वहाँ कौन सी क्रॉप लगती है। अगर वेजिटेबल है, केस का मार्केट है, तो 10-15 लाख रुपए सफिशेंट है। और अगर जैसे मान लो पेडी बेल्ट, कॉटन बेल्ट ये ऐसा है तो उसके अंदर फर्टिलाइज़र रखना पड़ जाता है दुकानदार को साथ में, तो उसके अंदर तो 1 करोड़ रुपये भी कम है। तो यानी वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लेवल पे काम शुरू करना चाहते हो, अपना आपके एरिया में कौन कौन सी फसलें होती है उसी हिसाब से आपको जो माल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर यूं कहें कि एक छोटे स्तर पर अगर कोई करना चाहे तो 15 से 20 लाख रुपए में अपना काम शुरू कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है 15 से 20 लाख रुपए में। बढ़िया, हर कंपनी की, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट रख लेगा जिससे मतलब हर फार्मर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हाँ, मतलब ज़रूरत के अनुसार आगे मंगाता रहेगा, पीछे माल निकलता रहेगा जी। सर अब बात कर लेते हैं कि शुरू में अगर कोई अपने ये जैसे लाइसेंस भी बनवा लिया, 15 से 20 लाख रुपए का जुगाड़ भी कर लिया, तो अब वो माल कहाँ से खरीदे, कौन सी कंपनी का माल ज़्यादा बेटर विश्वास पात्र होता है, उस हिसाब से वो कहाँ सुनिश्चित करे? वो कंपनी से नहीं होता, सबसे पहले तो अपने खुद का एरिया का सर्वे होना चाहिए जी। भाई अपनी मार्केट में जैसे मान लो कि आपको दुकान करनी है सीकर के अंदर जी, तो अब आप सीकर में दुकान कर लो और आप मटेरियल लिए, अच्छी क्वालिटी लिए मान लो किसी कंपनी की, जैसे सपोज आप लिए यहाँ पे सिजेंटा की जी, हर प्रोडक्ट आपने सिजेंटा का रख लिया जी, तो यह सारे प्रोडक्ट तो सिजेंटा के बिकते नहीं, कंपनी अच्छी है, MNC कंपनी है, पर कुछ प्रोडक्ट बिकते हैं जी। तो उसी तरह से सिजेंटा के कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, बायर के कौन कौन से, टाटा के, PI के, गर्डा के, बायोस्टेड के, विलोवुड के, UPL के, मोनसेंटो के, हर अलग अलग जितनी भी कंपनी है, कम से कम एक मार्केट के अंदर आप मान के चलो 40 से 50 कंपनियों का बिजनेस होता है जी। यानी यूं कहें कि उसको ग्राउंड लेवल पर एक बार अपना सर्वे जरूर करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के माल की खपत ज़्यादा है जी, उसी हिसाब से वो मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो कि हमारे यहाँ पेंडीमेथिलिन एक टेक्निकल है जो वो टाटा का सबसे ज़्यादा बिकता है जी। और यहाँ बंदा कोई दूसरी कंपनी का लेके बैठ जाएगा तो वो बिकेगा नहीं, बिकना है टाटा का यहाँ पे, क्योंकि वो एक ब्रांड बन गया। तो वहाँ पे सबसे पहले तो देखना पड़ता है ब्रांड क्या है, वो रखने पड़ेंगे। उसके अलावा वहाँ पे क्रॉप कौन सी है, उस क्रॉप के अंदर
कुछ ब्रांड रख लिए, कुछ उस क्रॉप के नए टेक्निकल आते हैं वो रख लो, कुछ अपने अच्छे रिजल्ट वाले वो रख सकते हो, किसान का सोल्यूशन मिलेगा, कुछ हटके भी दोगे तो चलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, हालांकि वो कुछ फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग देखते हैं कोई भी वीडियो होती है उसमें ये देखा जाता है कि कमाई कितनी होती है। मान लीजिए जैसे 15-20 लाख रुपए लगाकर कोई बेरोजगार युवा ये काम शुरू कर लेता है तो वो कितनी अपनी दाल रोटी चला पाएगा, इस बारे में कोई एक आइडिया? देखो सर, अपने तो यहाँ दाल रोटी का सिस्टम है नहीं, घर का अपना सिस्टम बढ़िया है, यहाँ पे सेवा के लिए बैठे हैं, तो अपना जो आता है प्रोडक्ट है उसमें मात्र 1% मार्जिन पे हम सेल आउट कर देते हैं जी। आपके बारे में तो मैंने यहाँ पे सीकर एरिया में मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, मैंने खूब सुना है, किसानों ने खुद अपनी जवानों से ये कहा है कि हमें सबसे लो प्राइस के ऊपर और बढ़िया विश्वासपात्र चीज देते हैं, तो आपने तो शुरू में बताया कि आप किसानों की सेवा में तत्पर हैं, आपका अलग ही ध्येय है, लेकिन अगर कोई बंदा जैसे कोई भी काम करता है तो अपने पेट के लिए, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए करता है, तो एक थोड़ी बहुत पेशेंट क्या कुछ इनकम वो इसे ले मान के चलो सर, मैं तो कहता हूँ मीडियम दुकान चले, मान लो उसके पास में 150 ही कस्टमर है तो दुकान का खर्चा निकाल के 10-12 हज़ार रुपये महीने के निकलते रहेंगे। हाँ होता रहेगा। ठीक है, आज के टाइम में क्या है मार्केट, ये कोरोना के बाद में मंदा बहुत आ गया जी, उसकी वजह से गाँवों के अंदर पेस्टिसाइड की दुकानें और कॉम्पिटिशन, कुछ किसानों के पास पैसे नहीं है फसलों के, आपको पता ही रेट कैसे है, तो फिर वो भी उसका मन टूट जाता है कि यार क्या करना है, घरवाले गेहूं का सीड डाल लेते हैं, घरवाले चना बीज लेते हैं, घरवाले सरसों बीज लेते हैं, दवाई खाद का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि जब इनकम ही नहीं है तो खर्चा कैसे करेगा जी। बिल्कुल सही बात कही आपने, तो उसके लिए धीरे धीरे चलन घट रहा है, कुछ किसान ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, तो वही है कि फसलों के अच्छे रेट होंगे तो किसान भी खर्चा करेगा जी। अच्छा सर, जितने भी इस वक्त लाखों किसान पूरे देश से अपने को देख पा रहे हैं, यूं कहें कि साथ में कई बेरोजगार साथी भी होंगे, उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस पेस्टिसाइड वर्कशॉप के बारे में? मैं तो यही कहूँगा किसान साथियों का भला करो और एक नई क्रांति लेके आओ जी। भाई किसान को अगर प्रोडक्ट अपने सस्ते में और बढ़िया क्वालिटी देंगे तो किसान भी आगे हमें अच्छी उपज और बढ़िया क्वालिटी का अपने को अनाज देगा जी सर। अगर उनको अपने जैसे जहरीले प्रोडक्ट देंगे जिनसे अपने अंदर ही कैंसर फैलनी है, खाना किसको है, इंसान नहीं तो खाना है। हाँ, वापस घूम फिर के आना तो अपने पास ही है। हाँ, सर्कल में आना है तो सबसे पहले ऐसी किसान साथी, अब अनपढ़ है, अनजान है, जो पढ़े लिखे ज़्यादा किसान है वो तो नौकरी लग जाता, जो नौकरी नहीं लगता बेरोजगार होता वही खेती कर रहा है आज के टाइम में। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं यही कहूँगा कि जैसे एक बाप के 3 बेटे हैं, अगर 2 अच्छे खूब पढ़े लिखे हैं तो वो नौकरी करेंगे और जो एक लास्ट में बच गया उसको खेती करवाते हैं, लेकिन अगर खेती की दशा पलटनी है तो जो पढ़ा लिखा है उसको खेती करनी पड़ेगी, तभी जाकर के किसान की दशा और दुर्दशा दोनों संभल सकती है। जैसे मैं अभी आपको दवाइयों में बताता हूँ, जैसे मान लो ये दवाई है, इसमें ये जो निशान आते हैं ना यहाँ पे रेड ब्लू और येलो और ग्रीन जी, 3 साइन आते हैं। जो ग्रीन साइन की दवाई होती है, जैसे ये आप देखोगे आपकी साइड से जो दवाई है वो सबसे खतरनाक है, सबसे ज़्यादा जहर है, सबसे ज़्यादा पॉइजन है, फर्स्ट नंबर वाली जो लाल निशान वाली है, उसके बाद में जो पीले निशान वाली है उसमें कम जहर है, उसके बाद में नीले वाली है उसमें और भी कम है, और जो चौथी दवाई है जो हरे निशान की है, ये हरे निशान वाली दवाई एनवायरनमेंट के लिए सबसे बेस्ट है, यानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, इसका जैसे अपने दूध नापने का होता है लीटर, वजन नापने का होता है किलोग्राम, वैसे जहर का लेवल नापने के लिए होता है टॉक्सिसिटी जी। अगर उससे चेक करेंगे तो इसमें 2000 टॉक्सिसिटी आता है हरे निशान वाली में, और अपने घरेलू खाने का नमक है उसमें 1500 टॉक्सिसिटी आता है जी। इसमें 2000 आता है उसमें 1500 आता है नमक में, तो ये न के बराबर जहर है और इसका रिजल्ट सबसे अच्छा और लंबे दिनों तक रहता है जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया, कुछ ऐसी किसान जागरूक बने, ऐसी पेस्टिसाइड या ऐसे फर्टिलाइज़र का उपयोग करें जो आपके लिए भी ज़्यादा लंबे समय तक कारगर हैं और साथ में धरती के लिए या पर्यावरण के लिए भी कम प्रदूषण फैलाने वाले हैं, तो उसका आने वाले समय में अपनी जो धरती है उसको बंजर होने से बचाने में भी सहयोग मिलेगा, अपने जो खाने में अपने इसको जाने अनजाने में ले रहे हैं ज़्यादा जहर को, तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा जो भी जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आएगी, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट शंका सवाल है तो आप अपना सवाल वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जितना जल्दी उसके आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर धन्यवाद। धन्यवाद।